नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। मुंगेर में घायल मिले युवक की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया और कई थानों की पहुंच पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि मुंगेर के कोतवाली थाना के अंतर्गत बड़ी बाजार निवासी मोहम्मद रिजवान के पुत्र मोइन अली की मौत शनिवार को पटना में इलाज के दौरान हो गई। शुक्रवार की शाम मोइन अली को नीलम सिनेमा के आगे यामाहा शोरूम के समीप गंभीर रूप से घायल अचेत अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कृष्णा ऑटो पार्ट्स की दुकान में बतौर मिस्त्री 7,000 महीने पर काम करता था। 3 महीना से दुकान मालिक मोइन को मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा था। इसको लेकर मोइन और दुकान मालिक कुलकुल गुप्ता के बीच अक्सर कहासुनी हो रही थी। वहीं देखिए, मृतक के जो चचेरे भाई हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले सुनिए। मिस्त्री है वो, गाड़ी का वो काम करता था कृष्णा ऑटो में। कृष्णा ऑटो में 3 महीने का पेमेंट सैलरी बाकी है, उसे बार बार तगादा करने के लिए जाता था, टहलाता था उसको कि हाँ देंगे नहीं देंगे। और वो कुलकुल जी, कुलकुल गुप्ता का जो मकान है, तो उनके यहाँ जो भी लेडी है, यानी उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है, और कुलकुल गुप्ता जी खुद यानी अपाइज हैं, मगर बहुत बड़े सियाने आदमी हैं। क्योंकि उसमें मेरे भाई को बुलाया गया इशारा से, आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, मेरा भाई को बुलाया गया, बुला के उसके बाद जो है उसको मारा पीटा। और वहाँ पर एक दो लोग नहीं मारा उसको, बहुत लोग आदमी से हम लोग जानकारी लिया तो बहुत लोग ऊपर उनके छत पे थे, मार के उसको ऊपर छत पे से फेंक दिया गया, जो कि वीडियो में है भैया। क्यों फेंका? क्योंकि उनकी लड़की का जो मामला जो है, कुछ पैसा इससे जो कमाता था बच्चा घर में नहीं देता था, वो ले लिया कर देते थे उनकी बेटी लोग, फ्रॉड है। और मेरे भाई को जान से मार दिया। अच्छा, और क्या किया था आपको? आपने छत पर फेंक दिया, वीडियो में है, देखा जाए सर आप क्या किया, हत्या की गई, फेंका गया, हत्या टू मर्डर, मर्डर कर दिया गया है। तो ये कुलकुल जी का परिवार पूरा, कुलकुल जी का पूरा परिवार है, कुलकुल जी का पूरा परिवार। कौन कौन लोग शामिल है उसमें? उसमें कुलकुल जी है, कुलकुल जी का पूरा परिवार है, और 2-4 आदमी और भी है, जो कि हम नाम हमें FIR में देंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। तो आपने देखा कि चचेरे भाई ने बताया कि मोइन अली और उसके मालिक के बीच अक्सर विवाद हो रहा था। विवाद का कारण यह था कि कई महीनों से जो है मालिक वेतन नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान था। हो सके तो इस हत्या के पीछे मालिक का ही हाथ है। और तमाम तरह के सवालों को लेकर जो है जो उसके चचेरे भाई है वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। आपको बता दें कि इस हंगामे के बाद कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया गया, लेकिन परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर रात तक हंगामा करते रहे। इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।